हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 6 और मैं और वंदना आई है अगली वाली छत पर अपनी, जिधर हम उपले पाते थे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा पेड़ कितना अच्छा लग रहा, हरा भरा। और बादल तो हो रहे हैं लेकिन कम, और हल्की फल्की धूप भी निकल ली, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा, बहुत सुहावना। तो ये देखिएगा मौसम। और इधर वंदना बैठी हुई है। कहाँ पे आए तुम? ऊपर अपनी अगली वाली छत पर। अच्छा लग रहा है इधर आगे? हाँ। कैसा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, तो घूम लो अब, जा इंजॉय कर लो अपनी छत पर घूम के। तो ये देखिए गया, पीहू बुला रही चीकू को और अनक को भी, फिर आपकी लड़ाई बच जावे ना। नहीं बजने की नहीं। तो ये देखिए, ये चल दी अपने भैया को बुलान। चप्पल पहन के जाओगे? हाँ। नहीं तो बुलान नहीं। तो ये देखेगा फ्रेंड्स, गाय की इतनी फोकीदार है और उसका ब्यात पास में ही है, उसका सारा दूध निकल जाता है रोज डेली। देखे कहाँ तक दूध चला गया है। यहाँ पे बैठी थी और बैठने के बाद कितना दूध, कम से कम आधा लीटर दूध चला गया होगा इसका। और एक दो दिन लगेगी अभी आने के, गाय हमारी। चल, और ये बहुत ही तकलीफ से गुजर रही, तकलीफ इसलिए है कि इसकी जड़ बांक ज़्यादा हो जाए इसका, और बैठने में इसे दिक्कत पड़ रही, बैठ नहीं पाती आसानी से। और ये देखो, वैसे कुछ नहीं दिक्कत है और इसकी फोकीदार है बिल्कुल, और खीस सारा वीरान हो रहा है इसका बेचारी का, बहुत मुश्किल से बैठती है। देखिए कैसे बिना लुहारे के भी हाथ लगाने दे, ये देख लिए, देख सकते हैं आप, कहीं भी हाथ फेर सकते हैं इसके। और जड़ में इसकी जोर ज़्यादा हो रहा दूध का, इसलिए परेशान हो जा बैठने के, बैठने से। और रोज लगता है आज भी आएगी, आज तो बच्चा दे देगी अपना, पर रोज एक एक दिन निकल रहा, बड़ी मुश्किल था इसका। और ये देखिए कितना दूध गिरान हो गया, आप देख सकते हैं कहाँ तक दूध चला गया है, यहाँ से यहाँ पर बैठी थी। और गाय भैंस कितना लगा है, भैंस यहाँ तक दूध। हमारे एक फ्रेंड्स ने पूछा था कि आपकी गाय कब बच्चा देगी, तो अभी कुछ सही मालूम नहीं, और आज बार बार उठ भी रही, परेशान भी हो रही, लगता है शायद आज बच्चा देगी अपना या कल दे देगी, जो भी लेगी 2-4 दिन। आप सभी फ्रेंड्स ने ये तो सुना ही होगा कि दूध की नदी वादी, तो ये आपने देख भी लिया होगा कि दूध की नदी तो बाहर नहीं, पर फरस पर बहा दे रहा आपको। तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, पूजा वूजा कर ली है और दोनों कमरों में झाड़ू पोछा भी कर दिया था मैंने पूजा करने से पहले, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और फिर बनाऊंगी चाय। पोछे की बाल्टी रख लिया है बरामदे में, को लगाऊंगी बाद में, क्योंकि वंदना और वंदना के डैडी को देनी है चाय, वंदना जाएगी स्कूल। तो आप बना लेते हैं चाय। पूरी पूरी पन्नी लगाओ ना,
तो ये देखिएगा वंदना के डैडी लेकर आए थे खेत में से जामुन, और जामुन खा रहे पापा जी। पापा जी ने ले लिया है गुली गुली जामुन, क्योंकि पापा जी पेट जो टाइट होती है वे खाई नहीं जाती, तो पापा जी ने गुली गुली ले लिया। और वंदना के डैडी लेके आए हैं पशुओं का चारा, और ये लेके आए हैं मक्की, क्योंकि माँ की हो रही है थोड़ी सी तबीयत ख़राब और बच्चे भी स्कूल से आ गए। तो वंदना ने कर लिया है अपने कपड़े चेंज और अपने डैडी को देखते ही आ गई है नीचे। तो अब वंदना के डैडी उतारेंगे पशुओं का चारा, और जितना काटना है फिर उसको काट देंगे पशुओं के लिए।